जो 19 है उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे 19 में तो आपने वीडियोस देख रखी हैं उसके अपार्टमेंट 1, 2, 3 बेड और उसकी शॉप्स के मुतालिक, लेकिन इसमें एक और चीज़ है जिसे हम कहेंगे ऑफिसेस। फ्रंट और बैक साइड के व्यू के साथ हमारे पास शॉप्स ऑफिसेस मौजूद हैं जो कम डाउन पेमेंट है, कम किस्त है और साइज भी बड़े मुनासिब है। अस्सलामुअलैकुम जनाब, बहरिया टाउन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज बहरिया टाउन में एक प्रोजेक्ट जो 19 है उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे 19 में तो आपने वीडियोस देख रखी हैं उसके अपार्टमेंट 1, 2, 3 बेड और उसकी शॉप्स के मुतालिक, लेकिन इसमें एक और चीज़ है जिसे हम कहेंगे ऑफिसेस, जो ग्राउंड फ्लोर पर शॉप्स के बिल्कुल ऊपर हैं। जो ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं, लोगों ने कहा कि रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, साइज़ में बहुत बड़ी हैं, हमें कोई मुनासिब हमारी ऑफिस या शॉप के लिए कोई चीज़ चाहिए। तो फिर 19 की ज़बरदस्त और शानदार लोकेशन जो बिल्कुल बहरिया हाइट्स के साथ है, वहाँ पर अब आपको मुनासिब कीमत पर ऑफिसेज या जिसे आप शॉप की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो मिलेगा। और किस तरह का यहाँ कारोबार और बिज़नेस हो सकता है वो बात करेंगे। प्राइस क्या है ये अली रज़ा से जानेंगे। अली, शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त जो है बहुत सारी शॉप्स ग्राउंड फ्लोर लोग बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा बजट होता है। एक तो साइज़ बहुत बड़ा होता है और उसमें फिर बेसमेंट भी है, मेज़नाइन भी है, उसकी कीमत बहुत ऊपर जा चुकी होती है। 19 में जो ऑफिसेज हैं, फर्स्ट फ्लोर जिसे हम बुनियादी तौर पर कहेंगे, क्या है इसमें ये प्रोजेक्ट में प्लान क्या है, फिर हम कीमत की बात करते हैं। मुसिफ भाई, 19 प्रोजेक्ट हमारा मेन गेट से तकरीबन 6.5 किलोमीटर के फासले पे है और इसकी सराउंडिंग में बैरिया हाइट्स मौजूद है जो कि अब आबाद हैं। दो टावर्स शॉप्स आबाद हैं, उनके फ्लैट आबाद हैं। अभी इस पर हमने 1, 2 और 3 बेड का प्रोजेक्ट है जिसकी बुकिंग 8 लाख से है। इस पर हमने काफ़ी दफ़ा वीडियोज़ की थी, फिर हमने इनकी शॉप्स पर भी बात की है जिसमें ग्राउंड, बेसमेंट और मेज़नाइन इन तीनों को मिलाकर एक शॉप आपको दी जा रही है। 480 का ग्राउंड, 500 का बेसमेंट और 250 का मेज़नाइन बनता है। वहाँ पर जो रेट है वो तकरीबन 45,000 से 50,000 रुपये हैं पर स्क्वायर फीट के। अब इस एतवार से इनकी कीमत बड़ी बनती थी, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा, तो लोगों ने कहा कि हमें लो कॉस्ट शॉप चाहिए। तो हमारा एक प्लान था जो हमने मंदिर आम पर नहीं लेकर आए थे, फर्स्ट फ्लोर पर ऑफिसेज शॉप्स की सूरत में देने का। तो उन तमाम क्यूरीज को मद्देनज़र रखते हुए हम 19 के ऑफिसेज फर्स्ट फ्लोर पर लेकर आए हैं जिसमें फ्रंट और बैक साइड के व्यू के साथ हमारे पास शॉप्स ऑफिसेज मौजूद हैं जो कम डाउन पेमेंट है और कम किस्त है और साइज भी बड़े मुनासिब है। यकीन जानिए कि आम आदमी की वाकई पहुंच में ये आने वाले शॉप्स और ऑफिसेज हैं। चलें अब आप कीमत ही फिर पूछ लेते हैं, आम आदमी की बात कर रहे हैं, पहुँच में तो किस तरह से इसकी प्राइस रखी गई है और फिर साइज जो आप बता रहे हैं उस साइज को फिर हम कैलकुलेट करते हैं कीमत। देखिए भाई, 8 लाख रुपए से बुकिंग है। अच्छा। क्योंकि अपार्टमेंट के मुनासिबत से रखी गई है। 260 स्क्वायर फीट का हमारे पास ऑफिस मौजूद है, 10x26 उसका साइज है जो डायमेंशन है। 60,000 रुपए माना किस्त और 38,85,000 रुपए का ऑफिस है। ये पूरा ऑफिस है, कुल कीमत आपको मैं बता रहा हूँ। डिफरेंट साइजेस है, 250 से तकरीबन 800 स्क्वायर फीट तक की हमारे पास स्पेस मौजूद है। जो फ्रंट वाले हैं वो उनकी डाउन पेमेंट 11 लाख रुपए हैं वैसे भाई, और तकरीबन 70,000 से 80,000 रुपए उसकी किस्त बनती है और जो टोटल कीमत है वो है 42 से 45 के बिटवीन। इट डिपेंड्स किस साइज़ के ऑफिस को आप अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये आप ऑफिस हैं, अब देखें ये भी हमारा भी एक ऑफिस है, हम बेसमेंट में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ऊपर अपार्टमेंट हैं, नीचे ऑफिस से मतलब क्या है? ये ऑफिस होंगे या शॉप्स होंगी, ये क्या होगा? देखिए, ये शॉप्स ही होती हैं बेसिकली। सही। लेकिन उन पर अब देखिए, शॉप्स जो फर्स्ट फ्लोर पर है ना वो कंसिडरेबली ऑफिस ही होता है। अब आप देखो, DHA में हमेशा मेज़नाइन बनाया जाता है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर शॉप का होता है, वहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं। मैंने तो DHA में प्राइमरी स्कूल भी देखा है फर्स्ट फ्लोर जी, हाँ। जहाँ मैं पहले रहता था Phase 5 में। तो आप कॉर्पोरेट ऑफिस टाइप चीज़ें कर सकते हैं, वो तमाम ऑफिस जहाँ पर लोगों की जो जो एक होता है ना प्रीव्यू वाली चीज़ें कम है और
मार्केटिंग से रिलेटेड। अब आप देखिए कि अगर आपने कोई बेस कोई फूड आउटलेट खोली है, आप फर्स्ट फ्लोर पर डाइनिंग एरिया भी रख सकते हैं, आप बेसमेंट में भी रखते हैं। लोगों ने बैरिया में रखे हुए हैं जिनका जिनका जो जो प्लेटफॉर्म बड़ा है उन्होंने फर्स्ट और बेसमेंट, चूंकि स्पेस ज़्यादा चाहिए, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट को बड़ा रखा है, ग्राउंड फ्लोर छोटा ले लिया ताकि कॉस्ट कम पड़े, फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट को ऐड कर लिया एज अ डाइनिंग। मोबाइल शॉप, मोबाइल एक्सेसरीज, लैपटॉप, ये जो बार्बर शॉप, बहुत सारी शॉप्स खुल सकती हैं। यानी कि एक जिस तरह का आप कारोबार करना चाहें, जैसे जिम्स हम देखते हैं इधर खुल सकती है। और दूसरी बात ये भी है कि अमाउंट कम है, रेंट आपको इस पर भी अच्छा आएगा। 25,000 से 30,000 रुपए का रेंट आप समझ लीजिए छोटे से छोटे ऑफिस में फर्स्ट फ्लोर का मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, नहीं तो इधर क्या इतनी कैपेसिटी कि ये बिल्डिंग बन जाए, नीचे की शॉप तो चलें जी स्टोर्स बन जाते हैं क्योंकि ऊपर लोग रहते हैं, करीब बैरिया के हाइट्स हैं वहाँ पर तो चल जाएंगी। यहाँ पर क्या इतनी इस तरह की शॉप्स हैं वो चलने की मार्केट हो सकती है? जी मैं बता देता हूँ। देखिए बैरिया हाइट्स में महंगी शॉप्स हैं, 1,00,000 से 1.5 लाख का रेंट है, 300 से 350 स्क्वायर फीट है। इस पूरी पट्टी में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर ऑफिसेज मुतारिफ करवाए हैं, शॉप्स मुतारिफ करवाए हैं। उन चीज़ों को मद्देनजर रखते ये जो हमने लेट अनाउंसमेंट किया है इसीलिए किया है कि कितने लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम जिन लोगों को दिलवाएंगे कल को वो हमारे, उनको रेंटल भी करना है, उनको प्रॉफिट में सेल आउट भी अल्लाह ने करवाना है हमारे थ्रू इंशाल्लाह। तो गुजारिश ये है कि इन चीज़ों को देखते हुए हमने इसको प्लान किया है, ताकि ऐसा नहीं है कि बेचकर बस साइड पर हो जाना, उनको रेंटल भी करना हमारी जिम्मेदारी है और हम ही रेंटल करेंगे। अगर हम किसी से किसी को सेल कर रहे हैं और इस बुनियाद पर कर रहे हैं कि ये अच्छा रेंटल देगा, तो डेफिनेटली हमारी जिम्मेदारी होगी हम उसको रेंटल करें। तो रेंटल एतबार से ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट यकीनन है। अरे साइज़ का तो बताइएंगे ना, साइज़ में इसमें क्या है? छोटा, अब कोई इतना सा ऑफिस लेना चाहता है जिसको छोटा सा काम है तो क्या उसके लिए अवेलेबिलिटी, और कोई सामने जितनी जगह लेना चाहता है तो क्या उसमें साइज है? 800 स्क्वायर फीट का भी ऑफिस है, ये बड़ा ऑफिस होता है, 800 से 900, 700 भी है, 600 भी है और 250 भी है। तो जिस तरह का आप चाहेंगे, अब एक मिसाल आप चाहते हैं कि 650 या 700 का चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, तो मॉडिफाई किया जा सकता है। मॉडिफाई ऐसे कि दो ऑफिसेज आपको मिलाकर दिया जा सकता है, दरमियान से दीवार निकलेगी वो अटैच हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात, फ्रंट ऑफिसेज भी हैं, बैक ऑफिसेज भी हैं। अगर किसी का बजट फ्रंट का नहीं है तो बैक भी, तो उसमें रेट्स में फ़र्क है? रेट्स में फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक चीज़ 38 लाख या 39 लाख की है तो आगे वो 42 या 45 लाख की है, बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। इसीलिए इसी तरह रेंट में भी बहुत बड़ा फ़र्क होगा नहीं। बेसिकली मुझे ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते, बहुत बड़ी डाउन पेमेंट अफोर्ड नहीं करते, लेकिन चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उनका बैरिया में बने, कहीं सरमायाकारी हो उनके फ्यूचर के लिए, उन लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम उनको एक बेहतर रेंट ऑफर भी करेंगे बनने के बाद। शुक्रिया अली, तफसील के साथ आपने बताया है। और कुछ सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं 19 अपार्टमेंट से मुतालिक, जहाँ अपार्टमेंट हैं 1, 2, 3 बेड उसमें बुक करवाने के, और नीचे की शॉप्स हैं बड़ी शॉप्स जिसे शोरूम शॉप्स कहते हैं वो, उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो कमेंट में पूछिए, नंबर मुसलसल नीचे आ रहा है अली रज़ा का और दानियाल नकवी का, इस पर रब्ता कीजिए। अल्लाह हाफिज़।